हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू रेफरेंस दोस्तों, आईपीएल 2023 की ट्रेड विंडो को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं। हालांकि ट्रेड विंडो जो कि नवंबर में ओपन होने वाली है, लेकिन उससे पहले टीमों ने कॉन्टैक्ट करना शुरू कर दिया है प्लेयर्स को लेकर, ट्रेड करने को लेकर। उसी खिलाड़ियों को नाम बताने जा रहा हूँ कौन से खिलाड़ियों को लेकर अपडेट्स आई हैं ट्रेड विंडो को लेकर। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स फटाफट से मिलती रहेंगी। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कौन से भी खिलाड़ी हैं, कौन से खिलाड़ी को लेकर अपडेट आई। सबसे पहला नाम रविंद्र जडेजा का है। रविंद्र जडेजा को लेकर कई टीमों ने कॉन्टैक्ट किया सीएसके की टीम के साथ। उन टीमों का नाम निकलकर सामने जहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स और एमआई जैसी टीमों ने जाकर सीएसके से ट्रेड ऑफर किया था, प्रपोजल किया था, लेकिन सीएसके ने यह प्रपोजल ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया और बता दिया है कि इनका कोई भी प्लान नहीं है जडेजा के साथ अलग होने का। बाकी जडेजा की मर्जी है कि वो होना चाहते हैं या फिर नहीं, स्टे होना चाहते हैं, सीएसके के साथ रहना चाहते हैं या फिर नहीं। दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं क्या जडेजा को कंटिन्यू करना चाहिए सीएसके के साथ ही या फिर अपने आप को जहाँ पर अलग कर लेना चाहिए। नेक्स्ट नाम आता है राहुल तेवतिया का। राहुल तेवतिया जीटी के खिलाड़ी, स्टार ऑलराउंडर, जहाँ पर इनको लेकर भी ट्रेड की ऑफर आई जीटी की टीम को। नाम सामने आ रहा है चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमों का, जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये टीमें चाहती है कि ट्रेड करना चाहती हैं राहुल तेवतिया को, अपनी टीम में शामिल करना चाहती है, लेकिन जीटी की टीम ऑब्वियसली यार इनको रिजेक्ट ही करेगी इन प्रपोजल्स को, क्योंकि इन्होंने कुछ गलत किया नहीं और स्टार ऑलराउंडर मैच विनर खिलाड़ी हैं। और दूसरा नाम आता है आरसाई किशोर जो कि जीटी के ही खिलाड़ी हैं और इनको लेकर भी कई सारी ट्रेड ऑफर्स आई हैं, लेकिन ये भी ठुकरा दी, इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था आखिर के मुकाबलों में। तो आरसाई किशोर भी एक बड़े खिलाड़ी इनका जो कि टीएनपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो जीटी ने ये दोनों ही प्रपोजल्स ठुकरा दिए हैं। तो नेक्स्ट नाम आता है रविचंद्रन अश्विन का, जहाँ पर आरआर को ऑफर्स आए हैं इनकी ट्रेड को लेकर, इनको भी टीमें ट्रेड करना चाहती है और टीमों का नाम सामने आ रहा है एसरच टीम और केकेआर जैसी टीमें इनको ट्रेड करना चाहती हैं, अपनी टीम में शामिल करना चाहती है आईपीएल 2023 में, लेकिन टीमों ने ठुकरा दिए भी प्रपोजल, ये प्रपोजल भी कैंसिल हो गई, रिजेक्ट हो गई। तो नेक्स्ट नाम जो कि इसके बाद सामने आता वो आता कायरन पोलार्ड का, एमआई के कायरन पोलार्ड मुंबई इंडियंस के। इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था आईपीएल 2022 में, लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत कमबैक किया था और आप कमेंट करके बताया कि एमआई की टीम को इनको ट्रेड कर देना चाहिए या फिर नहीं इनके साथ ही रहना चाहिए, क्योंकि एमआई के पास अब विस्फोटक आ चुके हैं फिनिशर्स जहाँ पर टीम डेविड। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट शुभमन गिल आखिरी नाम, इनको लेकर भी ट्रेड ऑफर्स आए हैं जहाँ पर नाम निकल कर सामने आया आरसीबी और पंजाब किंग्स जैसी टीमों का, जो कि इनको ट्रेड करके अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहते हैं। जीटी के पास स्टार जो कि प्लेयर्स हैं और सभी टीमें उनके पीछे पड़ी हुई और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सभी प्रपोजल्स जो कि बनता ही था। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताया कि आप आईपीएल 2023 के सीज़न से पहले किस खिलाड़ी को ट्रेड होते हुए देखना चाहते हैं। साथ साथ वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट क्रिकेट अपडेट्स फटाफट से मिलती रहें।